हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज की हमारी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। आज उन वर्ड्स के बारे में बातचीत करेंगे जिन वर्ड्स को लेकर के हर कोई कंफ्यूज होता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, जब भी वो कभी मिलते हैं, कभी पूछते हैं किसी को परेशान करने के लिए या फिर कुछ भी जानने के लिए पूछते हैं कि इन वर्ड्स को इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं, जो देसी वर्ड्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी इंग्लिश बहुत ही कम लोगों को पता होती है, जैसे समोसे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रायते को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इन सब चीज़ों की इंग्लिश आज आपको पता लगेगी। जलेबी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। और जो भी आपके कन्फ्यूज़न थे वो सारे कन्फ्यूज़न आज दूर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स बड़ा परेशान होते हैं, सर इनको क्या बोलते हैं, समोसे को क्या बोलते हैं, जलेबी को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। आज उन वर्ड्स को लेकर एक क्लास है, सारे कन्फ्यूजन वर्ड्स सारे जो कन्फ्यूज़न है वो आज आपके दूर होने वाले हैं। सबसे पहले आता है रिसोल वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड समोसा। तो समोसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, रिसोल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा लिखा हुआ है फ्रिटर्स। फ्रिटर्स का मतलब होता है पकोड़े, जो पकोड़े खाते हैं हम उसको बोलते हैं हम पकोड़े। लेकिन अगर हमें एक पकोड़ा चाहिए तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा ए पीस ऑफ फ्रिटर, ए पीस ऑफ फ्रिटर। वैसे एक पकौड़ा कोई खाता नहीं है, लेकिन फिर भी फ्रिटर्स क्यों बोलना, क्योंकि बहुत सारे होते हैं। एक पकौड़ा चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा गिव मी ए पीस ऑफ फ्रिटर। ठीक है, फनल केक या राउंडेड स्वीट, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत फेमस ही मिठाई होती है। जलेबी जिसे बोलते हैं तो बोल सकते हैं फनल केक और राउंडेड स्वीट, इट्स कॉल्ड जलेबी। बहुत फेमस है इंडिया में हमारे, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, जलेबी। तो इसके लिए आप फनल केक या राउंडेड स्वीट भी बोल सकते हैं। पाए, पाए का मतलब होता है कचौड़ी। ठीक है, कचौड़ी जो होती है उसको हम पाए बोलते हैं। मिक्स कर्ड, मिक्स कर्ड क्या होता है, देखिए मिक्स कर्ड, कर्ड होता है दही, और मिक्स कर्ड का मीनिंग होता है रायता। क्यों, क्योंकि उसमें मिक्स करके ही, कर्ड में मिक्स करके हम रायता बनाते हैं, तो मिक्स कर्ड हमारा होता है रायता। ठीक है, लेकिन और इसके मिक्स कर्ड होता है हमारा रायता। और इसी के साथ साथ एक वर्ड आता है वे, डब्ल्यू एच ई वाई, वे, वे होता है हमारा छाछ, मट्ठा जिसे हम बोलते हैं मट्ठा, ये मट्ठा होता है। और इसमें वर्ड आता है गुड़ की, अगर मैं बात करूं तो उसके लिए आप लिख सकते हैं गुड़ के लिए जैगरी, जैगरी होता है गुड़, जो मट्ठे के साथ हम यूजली खाते हैं, तो जैगरी हमारा कहलाया जाता है गुड़। ठीक है, ड्रेस्ड फूड जो होते हैं, इट इज़ पकवान। क्यों बोला गया है इसको ड्रेस्ड फूड, क्योंकि पकवान जब बनता है पूरा प्रॉपर तरीके से ड्रेस्ड होता है वो, इसलिए इसको बोला जाता है ड्रेस्ड फूड। तो ड्रेस्ड फूड का मतलब होता है पकवान। केक, देखिए केक की मीनिंग कई होते हैं, बर्थडे में जो कटता है वो भी केक होता है। यहाँ पर केक का मीनिंग, केक का मीनिंग काफ़ी सारे होते हैं। टिक्की जो होती है आलू की, उसको भी हम केक बोलते हैं। शादी में जो बनता है, सॉरी बर्थडे में जो आता है कटता है, उसको भी हम केक बोलते हैं यहाँ। और केक भी अलग अलग तरह के होते हैं, टिक्की भी अलग अलग तरह की होती है, मलाई वाली या ये जो भी है। केक मीन्स टिक्की, आलू की जो टिक्की होती है उसे हम केक बोलते हैं। ठीक, क्लैरिफाइड बटर, क्लैरिफाइड बटर क्या होता है, घी जो होता है। देखिए जो बटर होता है वो तो मक्खन होता है, क्लैरिफाइड जो हो जाता है यानी कि प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाना, प्रॉपर तरीके से वो आग में उसको गर्म करते हैं, जो मक्खन से घी तैयार होता है। मक्खन तो एक तरह से बोलूँ गांव में, अगर मक्खन बात करूँ तो मक्खन छाछ से जो निकलता है वो मक्खन, और मक्खन को गर्म करने के बाद जो बनता है वो घी होता है, तो इसलिए बोलते हैं उसे क्लैरिफाइड बटर। क्रीम, क्रीम तो आपको पता है मलाई जो होती है वो क्रीम होती है। नेक्स्ट आता है हमारा स्वीट सॉस। स्वीट सॉस क्या होता है, मीठी चटनी, ये चटनी होती है, स्वीट लग गया तो इसके साथ मीठी है ये। ठीक है, मीठी चटनी है, और चिली सॉस लग गया तो ये जो मिर्च वाली होती है वो होता है। चिली सॉस भी होती है चटनी, तो कुछ भी लगा लो आप, स्वीट सॉस लगा लो, चिली सॉस लगा लो, रेड सॉस लगा लो, कुछ भी आप लगा सकते हैं उसके लिए। ठीक है, पुडिंग, पुडिंग जो होता है हमारा वो होता है हलवा। ठीक है, और इस पुडिंग से वर्ड बना है पुडिंग राइस। पुडिंग राइस होता है हमारा खीर। ठीक है, राइस लगते ही खीर बन जाता है। वाटर बॉल्स, वाटर बॉल्स क्या होते हैं, वाटर बॉल्स होते हैं गोलगप्पे जो हम खाते हैं यूजुअली, वाटर बॉल्स होते हैं हमारे गोलगप्पे। ठीक है, देखिए क्रिस्पी सोल्टी जो होती है वो नमकीन होती है हमारी, क्रिस्पी सोल्टी, इट्स नमकीन। या इसको मिक्स्ड क्रिस्पी भी बोलते हैं हम, क्रिस्पी सोल्टी बोल सकते हैं, मिक्स क्रिस्पी बोल सकते हैं, फिर सोल्टी नहीं बोलेंगे इसको। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हम यूजुअली बहुत कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज तो नहीं, जिनका हमें पता ही नहीं होता। कोई हमसे पूछने लगे कि समोसा तुम खाते हो, तुम्हारा फेवरेट है, समोसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जलेबी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो ये खाने पीने की चीज़ें थी, कुछ खाने पीने की चीज़ें थी जिनको
इंग्लिश में यूजुअली बच्चों को नहीं पता होता है, तो बहुत अच्छी क्लास है। धीरे धीरे इसी तरह से जो ऐसे वर्ड्स हैं जिनको जिनकी इंग्लिश हमें यूजुअली नहीं पता है, ठीक है, आगे भी हम इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। कीप वॉचिंग, देखते रहिए, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय।